Hey, what's up you guys? Welcome back to Tech Hive. और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ Fujifilm Instax Mini Leaplay Instant Camera. This unique little camera combines digital features with instant printing capabilities. Now I am excited to dive in and show you what this camera is all about. So let's get started. मैं इस कैमरा को यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से एंड मैंने इस कैमरा को ख़रीदा था Amazon.com से. Amazon.com पे आपको इसके अलग अलग पैकेजेस दिखेंगे. यू कैन आइदर बाय कैमरा एज अ स्टैंड अलोन कैमरा और यू कैन ऑल्सो बाय इट इन अ गिफ्ट पैक. सो अगर स्टैंड अलोन कैमरा का पैक आप देखने जाए तो उसमें आपको कैमरा आएगा, एक रिस्ट रैप आएगा, चार्जिंग केबल आएगा और कुछ यूजर मैनुअल्स आएंगे. और हाँ, कुछ पैक्स में इसका 10 प्रिंटिंग फिल्म्स का पैक भी आएगा. मैंने खरीदा एक गिफ्ट पैक जिसमें कैमरा और उसके एक्सेसरीज के साथ मुझे एक फोटो एल्बम मिला और कुछ कलरफुल फ्रिज मैग्नेट्स मिले. फोटो एल्बम जिसमें आप आपके प्रिंट किए हुए फोटोज रख सकते हैं एंड कुछ कलरफुल फ्रिज मैग्नेट्स है जिसमें यही फोटो आप अटैच करके फ्रिज पे या कहीं और लगा सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन ऑफ दिस कैमरा. पहली नजर में आप इस कैमरा को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपेयर टू अदर Instax कैमरास ये कैमरा बहुत ही कॉम्पैक्ट है एंड दैट मेक्स इट वेरी पॉकेटेबल एंड पोर्टेबल. इट कम्स इन 3 colors, स्टोन व्हाइट, एलिगेंट ब्लैक एंड ब्लश गोल्ड. आई चोज स्टोन व्हाइट कलर बिकॉज आई रियली लाइक्ड इट. यू कैन ऑलवेज चूज अ कलर विच फिट्स योर स्टाइल. नाउ लेट्स चेक आउट द डिजाइन ऑफ दिस कैमरा. आप इस कैमरा के फ्रंट साइड पे ही देख सकते हैं इसके व्हाइट कलर पे जो स्टोन फिनिश दिया गया है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है. और यहाँ ऊपर Instax Mini Leaplay का ब्रांडिंग किया हुआ है. देन फ्रंट सेंटर में आपको इसके लेंस का मॉड्यूल दिखेगा. ये सेंटर में लेंस है. लेंस के लेफ्ट में आपको इसका सेल्फी मिरर देखेगा विथ विच यू कैन टेक सेल्फीज इजीली. इसके राइट साइड में है कैमरा फ्लैश. ऊपर आपको एक सिल्वर कलर का शटर बटन दिखेगा विथ विच यू कैन क्लिक फोटोज. और बॉटम में आपको दिखेगा एक साउंड रिकॉर्डिंग बटन जिसके बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे. इसकी टॉप साइड में आपको एक स्लॉट दिखेगा जहाँ से प्रिंटेड फोटोज बाहर आते हैं. इसकी लेफ्ट साइड में आपको एक जस्ट सिल्वर एक्सेंट दिखेगा और नीचे एक नॉच है जिसमें आप रिस्ट रैप अटैच कर सकते हैं. इसके राइट में काफी सारे बटन्स हैं, स्टार्टिंग विद द पावर बटन. उसके नीचे आपको एक माइक्रोफोन दिखेगा एंड उसके नीचे एक स्पीकर ग्रिल. ऊपर आपको 3 कस्टमाइजेबल शॉर्टकट बटन्स दिखेंगे और एक इंडिकेटर लाइट. और इसके राइट साइड में आपको SD कार्ड स्लॉट दिखेगा विद सपोर्ट्स अप टू 1 GB ऑफ माइक्रो SD कार्ड. इसके बैक साइड में आपको दिखेगा एक 2.7 इंच का LCD डिस्प्ले. ऊपर ये सिल्वर कलर का स्लाइडिंग बटन है विद विच यू कैन ओपन द बैक ऑफ द कैमरा टू लोड द फिल्म्स. नीचे आपको दिखेगा एक मेन्यू बटन एंड सराउंडिंग दैट इज अ नेविगेशन बटन. देन लेफ्ट में दिखेगा आपको एक बैक बटन, एक प्रीव्यू बटन और एक प्रिंट बटन विच कैन बी यूज्ड टू प्रिंट फोटोज विच कम आउट ऑफ द स्लॉट ऑन द टॉप. इसके बॉटम में आपको दिखेगा एक मिनी USB पोर्ट फॉर चार्जिंग. नाउ लेट्स टर्न ऑन द कैमरा एंड सी हाउ इट वर्क्स. बट उससे पहले हम इसमें इसकी फोटो फिल्म की कार्ट्रिज लोड करेंगे. सो टू डू दैट इसके बैक में जो मैंने आपको स्लाइडिंग बटन दिखाया था वो स्लाइड करके इसका बैक कवर ओपन करना है. और आपको दिखेगा इसकी कार्ट्रिज के ऊपर एक येलो कलर का एक मार्क रहता है. यू विल फाइंड अ सिमिलर मार्क इनसाइड ऑफ योर कैमरा और उसी को मैच करके आपको इस कार्ट्रिज को कैमरा में लोड करना है. वंस यू लोड द कार्ट्रिज एंड क्लोज द कवर इट ऑटोमेटिकली रिमूव्स अ प्रोटेक्टिव फिल्म विच वॉज देयर ऑन द कार्ट्रिज एंड वंस यू पुल इट आउट योर कैमरा इज रेडी फॉर यूज. नाउ लेट्स टर्न ऑन द कैमरा यूजिंग द पावर बटन. ये इमीडिएटली टर्न ऑन हो जाता है और आपको इमीडिएटली स्क्रीन पे 4 डायरेक्शन में इसके मेन्यू ऑप्शंस दिखेंगे. सो लेट्स चेक देम 1 by 1. आप जैसे ही टॉप बटन क्लिक करते हो आपको फ्रेम्स ऑप्शन दिखेगा. सो इस ऑप्शन में आपको अलग अलग फ्रेम फिल्टर्स दिखाई देंगे जो आपके फोटोज पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर फोटो लेने से पहले भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं एंड देन यू कैन क्लिक फोटोज. देन इसके राइट साइड में आपको फ्लैश रिलेटेड ऑप्शंस दिखाई देंगे. इसके लेफ्ट में आपको सेल्फी टाइमर रिलेटेड ऑप्शंस दिखाई देंगे एंड इसके बॉटम में आपको फिल्टर ऑप्शंस दिखाई देंगे जो यूजुअली आपको मोबाइल्स में भी दिखते हैं जैसे विविड है, ब्लैक एंड व्हाइट है, सेपिया है एंड यू कैन यूज एनी ऑफ दिस फिल्टर्स टू क्लिक फोटोज. बैक बटन ऑब्वियसली मेन्यू में से कहीं पे भी बैक जाना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं. देन कम्स द प्रीव्यू बटन. प्रीव्यू बटन विल टेक यू टू द फोटो गैलरी वेयर यू कैन ब्राउज थ्रू योर फोटोज एंड सबसे आखिर में आपको प्रिंट बटन दिखेगा जो क्लिक करते ही आपके फोटो की प्रिंट आ जाएगी. सो नाउ लेट्स ट्राई टू प्रिंट अ फोटो. सो जैसे ही आप प्रिंट बटन क्लिक करते हैं आपको एक मेन्यू ऑप्शन आता है जिसमें आप इधर फोटो को प्रिंट कर सकते हैं या फिर बैक भी जा सकते हैं. सो जैसे ही मैंने प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट किया इट शोज अ वेरी नाइस एनिमेशन ऑफ फोटो गेटिंग प्रिंटेड. सो आप देख सकते हैं ऊपर से फिल्म बाहर आ गई है. सो जैसे ही फोटो बाहर आता है उसको डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है. सो आप देख सकते हैं कि शुरुआत में आपको सफ़ेद रंग ही दिखाई देगा, इस पर कोई फोटो दिखाई नहीं देगा. बट यू कैन सी दैट द फोटो स्टार्ट्स अपियरिंग स्लोली और ये अराउंड 2 या 3 मिनट लेता है फॉर द फोटो टू फुल्ली डेवलप. सो आप देख सकते हैं द प्रिंटिंग प्रोसेस इज़ वेरी इजी.
सो लाइक अदर इंस्टैक्स कैमराज, ये जरूरी नहीं है कि आप जो फोटो ले वो हर फोटो आपको कंपलसरी प्रिंट करना पड़ता है, बट इस कैमरा के साथ आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा फोटो प्रिंट करना है या नहीं करना है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द मोबाइल ऐप विच गोज अलॉन्ग विद दिस कैमरा। सो कैमरा इस ऐप के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट करता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी मोबाइल ऐप में मेरा कैमरा कनेक्टेड दिखा रहा है। सो इस ऐप में अलग अलग ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा साउंड एंड वी विल टॉक अबाउट दैट इन अ शॉर्ट व्हाइल। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा रिमोट शूटिंग। सो इस रिमोट शूटिंग में आप मोबाइल पे लाइव व्यू देख सकते हैं फ्रॉम द कैमरा। दिस कैन बी यूजफुल व्हेन यू वांट टू कीप योर कैमरा अवे फ्रॉम यू एंड क्लिक फोटोज। द लिटिल प्रॉब्लम इज इस कैमरा में कोई ट्राइपॉड माउंट नहीं दिया गया है। इस कैमरा के बॉटम में फूजी फिल्म में छोटे से लेग्स दिए हुए हैं, यूजिंग विच यू कैन कीप योर कैमरा अपराइट ऑन अ फ्लैट सर्फेस। एंड इस साइड में भी एक छोटा सा नॉच दिया हुआ है जिसे आप कैमरा को हॉरिजॉन्टल पोजिशन में फ्लैट सर्फेस पे रख सकते हैं। एंड दिस इज यूजफुल टू टेक सेल्फीज फ्रॉम फार अवे और टेकिंग ग्रुप सेल्फीज ऑल्सो। द नेक्स्ट ऑप्शन इन द ऐप इज द शॉर्टकट ऑप्शन। सो यूजिंग दिस ऑप्शन आप आपके कैमरा में जो तीन शॉर्टकट बटन्स दिए हुए हैं उनको अलग अलग फंक्शंस असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हियर यू कैन असाइन डिफरेंट फ्रेम्स टू डिफरेंट शॉर्टकट बटन्स जो आप फोटो निकालते समय क्विकली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्ट प्रिंट। सो एज दिस कैमरा इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर फोन, तो जब आप इस कैमरा में कोई भी फोटो निकालते हैं इट गेट्स सिंक्रोनाइज्ड विद योर मोबाइल ऐप और यहाँ पे आपको जो चाहिए वो इमेज आप सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। मोर ओवर आपने जो मोबाइल में फोटोज लिए हैं वो भी आप इस कैमरा के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरा एक फोटो जो मोबाइल में लिया गया था एंड नॉट विद द कैमरा, आई एम गोइंग टू प्रिंट दैट फोटो थ्रू द कैमरा। देन इस ऐप में आपको लास्ट ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स, जिसमें आपको ब्लूटूथ सेटिंग्स, यूजर मैनुअल, FAQs, ऑडियो सेटिंग्स, फोटो ट्रांसफर सेटिंग और प्राइवेसी सेटिंग्स मिलेंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द साउंड रिकॉर्डिंग ऑप्शन। आपको इस कैमरा के फ्रंट में जो साउंड रिकॉर्डिंग बटन दिखता है, जब भी आप उस बटन को क्लिक करते हो आपको पीछे स्क्रीन पे एक पॉपअप दिखाई देगा विच टेल्स यू दैट योर कैमरा कैन रिकॉर्ड अप टू 10 सेकंड्स ऑफ साउंड आफ्टर शूटिंग। इसका मतलब है आप जब भी फोटो खींचते हो वो फोटो खींचने के इमीडिएटली बाद आप एक 10 सेकंड का साउंड रिकॉर्ड इसमें कर सकते हैं। नीचे मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। वो करते ही आपको स्क्रीन पे अपर राइट हैंड कॉर्नर पे एक साउंड रिकॉर्डिंग आइकॉन दिखेगा। इसका मतलब है आपके फोटो के बाद आपकी साउंड रिकॉर्ड हो सकती है। इसको अगर ऑफ करना है तो मैं वापस साउंड रिकॉर्डिंग बटन दबा सकता हूँ जिससे ऑफ हो जाएगा। अगेन ये बटन दबाने के बाद ये एनेबल हो गया। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल क्लिक अ पिक्चर एंड आफ्टर दैट आई विल रिकॉर्ड माय साउंड ओवर इट। सो इट गेव मी 10 सेकंड्स टू रिकॉर्ड माई साउंड। उसके बाद ये हमें ऑप्शन देता है इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिंट द फोटो विथ योर साउंड। और अगर आप ये फोटो प्रिंट करते हैं तो उसके ऊपर एक QR कोड आएगा जिसको स्कैन करते ही आपको अपने रिकॉर्ड किया हुआ साउंड सुनाई दे सकता है। तो इस कैमरा में ऑप्शन दिया गया कि आप QR कोड को कौन से पोजिशन में प्लेस करना चाहते हैं, आइदर वन ऑफ द फोर कॉर्नर्स और इन द सेंटर। सो आई प्लेस्ड इट इन द अपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर और मैंने अभी इस फोटो को प्रिंट कर दिया है। सो एज वी हैव सीन बिफोर दिस फोटो विल टेक 2 or 3 minutes टू डेवलप। टिल देन आप प्रीव्यू में देख सकते हैं आपके क्लिक किए हुए फोटो में जो साउंड रिकॉर्ड हुआ है वो आप कैमरा के थ्रू ही सुन सकते हैं। इसकी माइक और स्पीकर की क्वालिटी ठीक ठाक ही लग रही है, इट्स नॉट टॉप नॉच। एंड नाउ जो फोटो प्रिंट किया हुआ है उस पर जो QR कोड है वो स्कैन करके हम देखते हैं। नाउ जैसे मैं इस प्रिंटेड फोटो के QR कोड को स्कैन करता हूँ इट विल टेक मी टू अ सेपरेट वेबसाइट ऑफ इंस्टैक्स जहाँ पे आप इसके साउंड को प्ले कर सकते हैं या इस फोटो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो होता यह है कि इस कैमरा पे जब भी आप कोई भी फोटो क्लिक करते हैं इट विल गेट सिंक्ड विथ योर मोबाइल फोन एंड द इंस्टैक्स वेबसाइट। सो आई सजेस्ट यू बी केयरफुल व्हेन यू डू दिस और कोई पर्सनल फोटो या इन्फॉर्मेशन या साउंड आप इसमें रिकॉर्ड ना करें। दिस साउंड फीचर इज अ वेरी नॉवल फीचर बट मुझे डाउट है कि प्रैक्टिकली हम इस फीचर को कितना यूज करेंगे। नाउ इस कैमरा के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो इसमें इनबिल्ट मेमोरी आती है जिसमें आप फोटो स्टोर कर सकते हैं। सो इट कैन स्टोर अप टू 45 स्टिल फोटोज। SD कार्ड में यू कैन यूज अप टू 1 GB ऑफ माइक्रो SD कार्ड जिसमें आप मोर देन 850 फोटो स्टोर कर सकते हैं। इसके कैमरा के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 1/5 इंच का CMOS सेंसर है। इसकी कैमरा की फोकल लेंथ 28 mm है विच इज अ 35 mm फिल्म इक्विवेलेंट। F2.0 अपर्चर है। इसकी शटर स्पीड की रेंज 1/4 to 1/8000 ऑफ अ सेकंड तक है और इसकी ISO की रेंज 100 to 1600 तक है। एंड इसकी स्क्रीन के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, इट इज अ 2.7 TFT कलर LCD स्क्रीन। आप इसके फिल्म के पैक या कार्ट्रिज को देखें तो हर पैक में 10 प्रिंट्स आते हैं विच यू कैन बाय फ्रॉम ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स। सो इन कंक्लूजन दिस कैमरा परफॉर्म्स प्रीटी वेल, इट गिव्स आउट डिसेंट क्वालिटी फोटोज एंड एन इनबिल्ट प्रिंटर जिसके साथ आप इन फोटोज को इमीडिएटली प्रिंट कर सकते हैं।
The printing process itself is very quick and very easy. The battery life, however, is little average. You can take up to 100 photos before you have to recharge the camera again. But nonetheless, itna farak nahi padta is cheez se, because is camera ko aap definitely ek primary camera ke jaise use nahi karenge. The most important feature of this camera, according to me, is that it allows you to store photos and print them later if you want to. Compared to other Instax cameras, उन कैमरा में जैसे ही आप फोटो खींचते हैं आपको इमीडिएटली प्रिंट भी आ जाता है. नाउ द थिंग इज, फूजी फिल्म के जो प्रिंटिंग फिल्म्स है दे आर प्रीटी एक्सपेंसिव. लाइक आप अगर देखोगे अमेज़न पे तो आपको 10 फिल्म का एक पैक अराउंड 500 टू 600 रुपीस के बीच में आएगा, विच इज प्रीटी एक्सपेंसिव. सो विद दिस कैमरा यू कैन चूज विच फोटो यू वॉन्ट टू प्रिंट एंड वेन यू वॉन्ट टू प्रिंट, एंड दैट कैन सेव अस अ लॉट ऑफ मनी. एंड ऑल्सो देर इज अ स्क्रीन इन दिस कैमरा वेर यू कैन प्रीव्यू योर फोटोज, जिसकी हेल्प से आप वही फोटो प्रिंट कर सकते हैं जो अच्छे आए हैं. दिस कैमरा ऑल्सो allows you to connect to your phone and you can transfer photos from your phone to this camera and print them out. And इस feature की वजह से you can take advantage of the better quality cameras on your phone and उन्हीं photos का print ले सकते हैं. Overall, this camera is a very good camera which combines features of a digital camera to an instant camera. It's pretty compact and that makes it a very portable camera. It's fun to use and it makes a very good gifting option. Amazon पे the standalone package of this camera will cost you around 12,000 rupees. और इसके अलग gift box options है. One of them will cost you around 12,500 rupees. So आप choose कर सकते हैं अगर आपको ये camera खरीदना है तो कौन सा box pack खरीदना है. Apart from that, if your budget doesn't allow you to spend that much, there are other Fujifilm Instax cameras also, जिसकी price range around 5,500 से 7,000, 8,000 के बीच में आ जाती है. और इन सब products के links मैंने नीचे description में दिए हुए हैं. You can check those cameras out. And that was the video, guys. Let me know in the comment section what you think about this camera. And also comment if you have any more queries. So if you like this video, do hit that like button, share this video with your friends and family. Subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. And I will see you again in my next video. My name is Kunal and thank you for watching Tech Hive.